अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक तमाम अपडेट पहुँचती रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ISF FIA और इस्लामाबाद पुलिस के बारे में जो इनके टेस्ट होने हैं उनके शेड्यूल मैं आपको बताऊँगा। तो आपने ये हमारी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको सही तरह से गाइड किया जा सके। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ESF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, इसके इंटरव्यू कब होंगे और कैसे होंगे इस दफ़ा। तो इस दफ़ा थोड़ा सिस्टम को चेंज कर दिया गया है एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने फोर्स ने। तो इस दफ़ा आप इसका रिजल्ट आप आसानी से इस वेबसाइट पर देख सकेंगे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर आप अपना रिज़ल्ट आसानी से चेक कर सकेंगे कि आपके कितने मार्क्स और आप पास हैं या फेल हैं। तो अभी तक जो नोटिफिकेशन कोई जारी नहीं किया गया जो ESF के की तरफ से कि कब रिज़ल्ट अनाउंस किया जा रहा है। ये जल्द ही अनाउंस किया जाएगा क्योंकि इसकी इंटरव्यू की जो डेट है वो बता दी गई है 12, 13 और 14 तारीख को इंटरव्यू होंगे। तो इंशाल्लाह ये इस दफ़ा रिज़ल्ट ये अगले मंथ के पहले हफ्ते में आ जाना है, दिसंबर के पहले हफ्ते में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो आपने दिसंबर के पहले हफ्ते तक इंतज़ार करें ताकि आपको आसानी से इस दफ़ा वेबसाइट पर भी आसानी से आप अपना रिज़ल्ट देख पाएंगे। तो अभी तक इसकी जो वेबसाइट है उस पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया कि कब आपका रिज़ल्ट इंटरव्यू के मतलब मैसेजेस या आपको स्लिप के बारे में नहीं बताया गया है। तो आप अभी तक वेट करें ताकि आपको यहाँ पर वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो आगे जी मैं आपको इस्लामाबाद पुलिस के बारे में बताऊंगा कि इस्लामाबाद पुलिस के PTI के लॉन्ग मार्च की वजह से डिले कर दिया गया है। इसका अब ASI के फिज़िकल भी होने थे तो इस वजह से डिले थोड़ा कर दिया गया है। और इसकी मतलब कांस्टेबल की रिटर्न होना था तो वो इसलिए थोड़ा डिले किया हुआ है। तो इंशाल्लाह इसकी जो कहा जो मेरे पास डिटेल आई है कि इस्लामाबाद पुलिस का इंशाल्लाह दिसंबर के दूसरे हफ्ते में स्लिप डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे और मैसेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें ताकि आप आसानी से टेस्ट क्लियर कर सकें। और FIA के बारे में मैं आपको बता दूं कि FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी का इदारा है। तो इसके आपके इस दफ़ा टेस्ट उन्होंने कुछ 2-3 दिन पहले इसका नोटिफिकेशन भी आया था कि अब जो बर्थ ही काफ़ी दिन से रुकी हुई थी तो उसको अब दोबारा बहाल कर दिया गया है। तो वो भी दिसंबर के दूसरे हफ्ते में उनके भी मैसेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप उसके लिए भी तैयारी जारी रखें ताकि आपको आसानी से उसका टेस्ट पास कर सकें। तो FIA एक बहुत एहसास इदारा है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है। तो आप इसके लिए तैयारी अच्छी रखें ताकि आप इसमें सेलेक्ट हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपने हमारी ये वीडियो एंड तक देखी होगी। और जो हमारे चैनल पर नए लोग आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी तमाम इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुँचती रहे। तो हमें दीजिए इजाज़त, हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।